दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है समा अब जाऊं मैं कहां। देख सकते हैं दोस्तों कितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ चोटिल है। लगा है। पूरा मुंह पे ऐसे हो गया है चोटिल और हाथ भी थोड़ा फ्रैक्चर है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 8 बजा हुआ है और आज इतने टाइम पे हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। थोड़ा सा ठंडा होने के कारण अभी हम रसोई घर में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल और दाल है और हम यहाँ पे थोड़ा हाथ अपना सेक रहे हैं पहली बार। इस पे जो धुआं निकल रहा है दोस्तों, धुआं इससे उठ उठ कर जब ऊपर जा रहा है तो देख सकते हैं कितना ये सब काला काला सा पड़ गया है। इसमें जो मछली हम बनाए थे शायद आप लोगों को देख कर अच्छा लगा होगा और जो आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, अच्छा बना था, टेस्ट किए थे, बरखाए भी थे, तो अभी बचा भी है तो अभी फिर खाएंगे। देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, गर्म हो रहा है, उसके बाद से खाएंगे। दोस्तों हमने खा लिया है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवई बन गया है, सेवई बन रहा है। बस नॉर्मली थोड़ा सा देसी घी डाल के जो उसमें भूज के और दूध डाल ले रहा है और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें शुगर अपने स्वाद अनुसार, सेवई तैयार। और जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल दीजिए। आप क्या खाएंगे? सेवे सेवे ब्रश के हैं अगले साल हाँ स्कूल जाना है ना, कब जाएंगे बताओ? 8 तो कब का बज चुका है, कब जाएंगे? दोस्तों ये जहाँ एक्सीडेंट हुआ टूटा था इसको सोच रहे हैं कि फेविक्विक लगाकर चिपका दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इसे फटा है। दोस्तों हमारे पास है फेविक्विक और यहाँ पे है टूटा हुआ, तो इस पर थोड़ा थोड़ा गिरा कर जो मिट्टी है नीचे उस पर थोड़ा थोड़ा चिपका देंगे तो बैठ जाएगा। फाइनली दोस्तों चिपक गया पूरा अच्छे तरीके से। अभी दोपहर हो चुका है और सुबह मछली खाए थे, अभी फिलहाल खेत से आ रहे हैं। खेत में मोबाइल घर छूट गया था तो हम शूट नहीं कर पाए हैं, खेत से आ रहे हैं रिटर्न। अभी देखिए भूख लग गई है तो थोड़ा सा खा लेते हैं, मछली खाए थे तो अब हमको दूध खाना है। तो अगर जो आप भी मछली खाए हैं तो कम से कम आपको 5 या 4 घंटे का बीच में गैप देना चाहिए, नहीं तो एक सफ़ेद रोग होता है हो जाएगा, हो सकता है, ये नहीं है कि सबको हो जाए लेकिन किसी किसी को हो सकता है, तो हमें बच के रहना चाहिए इस चीज़ से। तो चलिए फिलहाल खा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है किचन में, रोटी है उधर, बस रोटी एक ठो बची है, इधर देखते हैं क्या है। ये मिट्टी का, अपने मिट्टी का अगर जो आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये मिट्टी का एक जैसे हो ना, ये है ना क्या बोलते हैं इसको, कोठली, हिंदी में कोठली बोलते हैं, कोठली मतलब भोजपुरी में कोठली इसका लैंग्वेज है। तो ये भी कोठली है मिट्टी का, इसमें जैसे कि कोई भी आटा वाटा रखने के लिए यूज नहीं, बस केवल गेहूँ रखने के लिए यूज किया जाता था पहले, तो अभी फिलहाल ये दूध रखने के लिए यूज किया जा रहा है कि मतलब कि कोई बिल्ली उल्ली इसको नष्ट ना करे, ठीक है ना। इसके ऊपर से सब देखिए, एक ईंटा दो ईंटा ये लोटा एक ऐसे, मतलब 4-5 किलो का वजन रखा गया कि बिल्ली इसको उठाना चाहे तो ना उठा पाए। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं क्या क्या है, मैं देखूँ चेक करूँ थोड़ा। इसमें मक्खन रखा गया है, जो साड़ी होता है ना उस दिन जो मम्मी मेरा घी निकाल रही थी, इकट्ठा करके फिर इसमें से घी निकाला जाएगा। हमको चाहिए सेवई बना था। ओहो दोस्तों सेवई है दोस्तों, आधा थोड़ा कम ले लिए हैं क्योंकि डुगू आएगा पढ़ के तो उसको भी चाहिए। और देख सकते हैं इसको ऐसे ढक दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि सरसों का जो पौधा था कुछ इस तरह हो गया है, उस दिन आया था कितना छोटा था, आज देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रहे होंगे दूर दूर तक पूरा, इसमें एक लाही रोग होता है और कीड़ा होता है जो पड़ जाता है इस पौधे पे, जो पुष्प है ना इसका, इस पे सड़ जाएंगे ना तो ये ना फल लेगा ना कुछ लेगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से जब लाही लगेगी ना तो इस प्रकार से उसका पुष्प हो जाएगा,
जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फसल काफी खूबसूरत दिख रही है, दूर दूर तक एकदम नजरें जा रही है, पीलापन दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हमारी मम्मी आई है, मीटिंग कर रही है, उधर देख सकते हैं, दिख रही होगी। पास लेकर चलते हैं, कोई घास करने आए थे पशु के चारा के लिए, उसी के साथ बैठकर मीटिंग कर रही है। देखे जाते हैं वो जो दिख रहा है दोस्तों, देखे यही है टाड़ा, देख सकते हैं, ये रेड कलर का उसका मुंडी है। देख सकते हैं कि ढूंढा है, मेरी मम्मी को मन कर रहा है खाने के लिए, इतना तो खा ही लेगी तो इसको ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, पूरा मुंह पे ऐसे हो गया है चोटिल और हाथ भी थोड़ा फ्रैक्चर है। आप लोग कामना करें भगवान से कि 10 दिन में ठीक हो जाए। और हमारे साथ हैं आशीष जी जो हंस रहे हैं बहुत से। हम हंसत ना है, देखे बे रे, देखे बे, देख सकते हैं दोस्तों हमारे डिग्गी भाई क्या दिखा रहे हैं, दिखाओ क्या दिखा रहे थे, दिखाओ फुट नहीं रहे थे, दिखाओ कौन जगह है, कौन जगह है, आए ले फ्रेम पूरा घूमने, अरे तो मिंटू वाली है का, नहीं बर्थडे में ले जा, तो उका रख ले वो ओके कवा कब कटाई अबे अबे तो काटो आदि हो आदित्य ऐसे आदित्य कहाँ हो अबे कहाँ गए लो हाँ पत्री हाय के हाय लव कल हाँ ठीक है क्या तू अंके देखा क्या भाई लेन के कटाई हाँ था बार हाय का पहन लेना हाय हाथों में हाय तू का हो टूट गए टूट गए पर टूट गए खाना खा लो जा भाग जा जा भाग जा जा घर में जा। फाइनली दोस्तों अभी मैं खेत आया हूँ और शाम हो चुकी है, खेत का कंडीशन देख सकते हैं कुछ। उधर मैं जो प्याज लाया था वहाँ पे रोपा गया है, अभी खेत में गया था तो फिलहाल आज का दिन कुछ अच्छा था। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुन सुन है समा अब जाऊं मैं कहां, बस इतना तू मुझको बता दे, सुना सुना है समा एक ऐसा है जहाँ, बस इतना तू मुझको बता दे। ओ का लिया मेरा ढूंढवा, इतना मेहनत से लेकर तो मेरा निकल गया ना।